हाय एवरीबॉडी, आई एम निर्मल चौधरी, डायरेक्टर ऑफ डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश। हमने पिछले वीडियो में व्हाट से क्वेश्चन बनाना सीखे थे कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, और मैंने उनका हिंदी एक्सप्लेन किया था आपको। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप व्हाट से क्वेश्चन हो रहा है तो उनके जवाब आप कैसे देंगे। तो लेट्स वी विल सी नाउ। आशीष इज विथ मी एंड आशीष क्वेश्चन बोलेगा और मैं आपको बताता हूँ उसके आंसर्स कैसे देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये, व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू? I study, I work, I am teacher, I am serviceman, I am housewife. आप यहाँ पर आंसर अपने अनुसार तय कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो बोलेंगे I study, आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं I study in 10th class, I study in 12th class, I study in college. आप यदि जॉब करते हैं तो आप बोलिए I work in Reliance as a chief executive. आप जो भी चाहें यहाँ पर इसको बड़ा कर सकते हैं। आप टीचर हैं तो बोल सकते हैं आई एम टीचर, आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, जो भी आपको बोलना है। आई एम सर्विस मैन, सर्विस वुमेन, आई एम हाउस वाइफ, आई एम फ्री, आई एम रिटायर्ड। आप यहाँ अपना खुद का आंसर तय कर सकते हैं। क्वेश्चन समझना जरूरी है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आप जो काम करते हैं आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ज़रूरी नहीं है यहाँ आंसर में आपको डू लगाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जो भी सुबह काम करते हैं आप वो बोलकर डायरेक्ट यहाँ पर बता दीजिए। आई गो टू स्कूल, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू जिम, आई डू माय हाउसहोल्ड वर्क, आई क्लीन माय हाउस। आप जो भी जवाब देना चाहें वो दे सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि डू का जो जवाब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आता है। आप यहाँ देख सकते हैं सभी में मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया है। व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग? आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई गो टू जिम, मैं जिम जाता हूँ। आई गो टू कोचिंग, मैं कोचिंग जाता हूँ। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। आप इसके अलावा भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप शाम को जो काम करते हैं वो आप बता सकते हैं। आई गो फॉर एन इवनिंग वॉक, मैं शाम को घूमने के लिए जाता हूँ। इस तरह से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। व्हाट डू यू डू इन द आफ्टरनून? आप दोपहर को क्या करते हैं? तो आई टेक लंच, आई टेक रेस्ट, आई वॉच टीवी। आप इस तरह से और चेंज कर सकते हैं। What do you do on Sunday? I go for picnic, मैं पिकनिक के लिए जाता हूँ। I complete my pending work, मैं अपना जो पेंडिंग काम है उसे पूरा करता हूँ। I go to my relative's house, मैं अपने रिलेटिव के घर जाता हूँ। I go for shopping, मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ। आप संडे के दिन जो भी काम करते हैं वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। याद रखना है आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। What do you do at 6 a.m.? I play, मैं 6 बजे खेलता हूँ या जिम जाता हूँ। I return to home, जो मैं घर वापस आता हूँ, या I cook food, मैं खाना बनाता हूँ। आप इस तरह से जो है आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका जवाब है वो आप बता सकते हैं। 6 बजे क्या करते हैं, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं और उनके आंसर्स रेडी कर सकते हैं। What do you do at 2 p.m.? आई टेक लंच, मैं लंच करता हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। What do you do at 8 a.m.? I do my homework, मैं अपना होमवर्क करता हूँ, या I complete my office work। I take dinner, मैं डिनर करता हूँ, या आप रात के खाने के लिए सपर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, SUPPER, I take supper, या आप सिंपली आप टेक फूड भी बोल सकते हैं। आई टेक फूड, आई वॉच टीवी, आई स्पेंड माय टाइम विद माय फैमिली। आप जो भी काम करते हैं उस समय भी बता सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करके। व्हाट डू यू डू फ्रॉम 12 टू 1? 12 से 1 के बीच में आई टेक लंच, आई कुक फूड, आई वॉच टीवी। व्हाट डू यू डू फ्रॉम 5 टू 6? आई प्ले, आई अटेंड कोचिंग, आई रिटर्न टू होम, मैं घर से वापस आता हूँ उस समय। What do you do from 8 to 9? 8 से 9 के बीच में आई टेक फूड, आई कम्प्लीट माई वर्क, आई वॉच टीवी, आई गो टू मार्केट। आप जो भी जवाब है आपको यहाँ दे सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क की मदद से। What do you do in mobile? आई प्ले गेम्स, आई लिसन टू सॉन्ग्स, आई वॉच वीडियोज। आप जो भी इसमें और भी बड़े कर सकते हैं आप आंसर, और चाहें तो आप सारे आंसर्स भी बता सकते हैं। What do you do in computer? I watch videos, I listen to songs, I make presentation in on, दोनों use कर सकते हैं आप। मैं presentation बनाता हूँ, गाने सुनता हूँ, video देखता हूँ, YouTube देखता हूँ। आप जो भी चाहें आंसर दे सकते हैं।
What do you do in class? I study in class, I discuss with my friends, I get knowledge in my class. आप जो बाकी का हिस्सा है वो चाहें तो और पीछे जोड़कर उसे कंप्लीट जो है एक सेंटेंस बना सकते हैं. मैं शॉर्ट में सिर्फ आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है. यदि आपको एक सीक्वेंस जो है एक तरीका समझ में आ जाएगा तो फिर आप अपने खुद के भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का रूटीन अलग होता है. आप अपने रूटीन के हिसाब से जो है यहाँ आंसर्स को चेंज कर कर व्यवहारिक रूप से जो है कॉन्वर्सेशन तैयार कर सकते हैं. What do you do in school? I study, I play games, I take lunch, I meet my friends. What do you do on picnic? I play some games, I take food, I enjoy, I dance, I take photos. आप जो भी काम पिकनिक पे करते हैं वो सारे काम भी आप बता सकते हैं चाहे तो. आपका बड़ा आंसर बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा सेंटेंस आप बोल पाएंगे. What do you do in party? I enjoy, I meet my friends, I take food. सभी में आपको ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो है मैंने यूज़ किया है. डू का जवाब फर्स्ट फॉर्म में देना है आपको. What do you do in your free time? In my free time, I watch TV, I listen to songs, I read books, I go to market, I sleep. आप जो भी चाहें यहाँ पर जवाब दे सकते हैं. What do you do when you are angry? I go to sleep, I go in silent place. जो भी है आप इसमें बोल सकते हैं. जब आप गुस्सा होते हैं तो आप क्या करते हैं? What do you do when you are happy? I enjoy, I give party, I watch TV, I listen to songs. What do you take in breakfast? I take bread and jam, paratha, poha, samosa. I take different things daily. मैं हर रोज जो है अलग अलग चीजें नाश्ते में खाता हूँ. What do you take in lunch? I take dal rice. What do you take in dinner? I take chapati and vegetable. What do you wear? I wear jeans and shirt, I wear formal dress. जो भी चाहें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं. अगर आप लेडीज़ के बारे में लेडीज़ हैं तो फिर बोल सकते हैं आप सलवार सूट या साड़ी जो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से. What do you wear? Leather shoes or sports shoes? I wear both. Both का मतलब होता है दोनों. आप एक बोलना चाहते हैं एक बोल सकते हैं. दोनों के लिए आपको वो एक वर्ड यूज़ करना है both. What do you play? I play cricket, I play hockey, I play football. यदि आप नहीं खेलते हैं तो आप बोल दीजिए आई डोंट प्ले. नेगेटिव के लिए जो डू है उसका नेगेटिव हो जाएगा डू नॉट, या इसका शॉर्ट फॉर्म है डोंट. इट इज़ वेरी इजी. व्हाट डू यू वॉच ऑन टीवी? आई वॉच न्यूज़, मूवीज, सीरियल. जो भी आप देखते हैं टीवी पे वो बता सकते हैं आप. व्हाट डू यू राइट? आई राइट ऑल सब्जेक्ट्स, आई राइट मैसेज, आई राइट पोएम, आई राइट लेटर, ईमेल. आप यहाँ चेंज कर सकते हैं. What do you speak? I speak Hindi and English. What do you read in newspaper? In newspaper, I read political news, sports news. What do you drink? Tea or coffee? I drink both. एक बोलना है तो आप बोल सकते हैं I drink tea, I drink coffee. आप यहाँ drink की जगह take या have का भी आप use कर सकते हैं. What do you eat? Kachori or samosa? I eat both. तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको आंसर्स भी क्लियर कर दिए हैं. यदि आपके पास मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश तो मैंने पीछे की तरफ जो है लास्ट में कॉन्वर्सेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया है. उसमें मैंने लगभग 50 से 60 पेजेस के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं. उनका मैंने हिंदी भी साथ में दिया है. जैसे यहाँ पर मैं हिंदी बोल कर समझा रहा हूँ उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख कर जो है इन्हें आप इम्प्रूव कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन को अपने. ये बुक अमेजन पर अवेलेबल है. आप चाहें तो वहाँ से मंगा सकते हैं या इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं. स्टडी सेंटर से भी आप ले सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी ज़रूर मदद करेगा कॉन्वर्सेशन में. और इस तरह के कुछ और आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आप यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट में आप जो है सारे वीडियोज़ जो कॉन्वर्सेशन के स्टेप बाय स्टेप देख कर जल्दी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू टॉक इन इंग्लिश. यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. पढ़े पढ़ाएं देश को आगे बढ़ाएं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.